नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार सोहेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम मित्रा में। आज मैं आपको बहुत बड़ी अपडेट बताने वाला हूं। SSC GD कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा का रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। पहले भी यह भर्ती प्रक्रिया निकाली गई थी, परंतु कोरोना के कारण इसको पोस्टपोन कर दिया गया था। अब इसे इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि इसमें कौन कौन आवेदन कर सकता है, पात्रता क्या रखी गई है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, फीस क्या लगने वाली है और आयु का निर्धारण किस आधार पर किया जाएगा। पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देने वाला हूँ। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको इस तरह की सरकारी भर्ती से जुड़ी सभी अपडेट का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अब मैं आपको इसकी पूरी जानकारी दे देता हूँ। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि SSC कॉन्स्टेबल GD रिक्वायरमेंट 2021 अप्लाई ऑनलाइन फॉर 25,271 पोस्टों पर यह वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर आप देख लीजिए नेम ऑफ द पोस्ट SSC कॉन्स्टेबल GD ऑनलाइन फॉर्म 2021। यह पोस्ट डेट दी गई है यहाँ पर टोटल वैकेंसी 25,271 पदों पर निकाली गई है और इसका लास्ट अपडेट देख लीजिए 17/7/2021 का है। नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद मैं आपको इसकी पूरी डिटेल से जानकारी दे देता हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके एप्लीकेशन फीस की। इसमें फीस कितनी लगने वाली है, तो यहाँ पर देख लीजिए आप, जनरल और OBC कैंडिडेट के यहाँ पर 100 रुपये का चालान कटेगा, 100 रुपये की फीस लगेगी। और यहाँ पर फॉर वुमेन SC ST और एक्स सर्विस मैन कैंडिडेट को यहाँ पर प्रीमियम आवेदन कर सकते हैं, उनका कोई चार्ज नहीं लग रहा है। आप यहाँ पर बैंक चालान यहाँ पर नेट बैंकिंग के माध्यम से भी अपना पेमेंट कर सकते हैं, आपके ATM कार्ड से भी अपना पेमेंट कर सकते हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट डेट क्या क्या रहने वाली है आवेदन की, एग्जाम की, सबके बारे में। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, आप डेट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट 17/7/2021 का ये एडवर्टाइजमेंट है और इसकी स्टार्टिंग डेट और अप्लाई, यहाँ पर आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट 17/7/2021 से आज से इसके आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। इसकी लास्ट डेट देख लीजिए, आप अप्लाई करने की लास्ट डेट यहाँ पर 31/8/2021 है, रात्रि 12 बजे तक आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर देख लीजिए आप लास्ट डेट फॉर पेमेंट ऑफ ऑनलाइन, आप इसके आप ऑनलाइन पेमेंट आप 2/9/2021 तक कर सकते हो। और यहाँ पर देख लीजिए आप लास्ट डेट और फॉर पेमेंट ऑफ ऑफलाइन चालान की पेमेंट की लास्ट डेट यहाँ पर 4/9/2021 बताई गई है। आगे इसकी अपन देख लेते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं, एज कितनी रहने वाली है और एज में क्या छूट मिलने वाली है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए एज लिमिट, यहाँ पर आयु की गणना 1/8/2021 के माध्यम से की जाएगी। यहाँ पर आयु की गणना 1/8/2021 के द्वारा की जाएगी। तो 1/8/2021 को यहाँ पर मिनिमम आयु कैंडिडेट आवेदक की मिनिमम आयु मैक्सिमम कम से कम आयु 18 वर्ष का हो जाना चाहिए। तो आवेदक को यहाँ पर मतलब 1/8/2021 को उसकी आयु 18 वर्ष से हो जानी चाहिए और उसकी आयु 21 वर्ष से अधिक की नहीं होनी चाहिए 1/8/2021 के माध्यम से। यहाँ पर एज इलेक्शन आयु के अंदर कुछ छूट दी गई है SC ST को और एक्स सर्विसमैन को, जिसके बारे में आपको विस्तार से इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आगे बताने वाला हूँ। अब आगे देख लेते हैं इसकी क्वालिफिकेशन की। यहाँ पर देख लीजिए आप क्वालिफिकेशन कैंडिडेट शुड बी प्रोसेस मैट्रिकुलेशन 10th पास। यहाँ पर आवेदक को या तो मैट्रिकुलेशन होना चाहिए या 10वीं पास होना चाहिए, किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी के द्वारा आवेदक को 10वीं पास होना चाहिए। अब यहाँ पर वैकेंसी डिटेल दी गई है कि कौन सी भर्ती के लिए कितनी पोस्टें खाली है। यहाँ पर देख लीजिए आप BSF के अंदर मेल की तो 6,413 पोस्टें हैं और फीमेल की 1,132 पोस्टें हैं, टोटल 7,545 पोस्टें BSF के अंदर है। इसके अंदर OCSF के अंदर यहाँ पर आप देख लीजिए 7,610 पोस्टें तो मेल की है और 854 पोस्टें फीमेल की है, टोटल 8,664 पोस्टें यहाँ पर CSF के अंदर है। और यहाँ पर देख लीजिए आप CRPF के अंदर कुछ भी पोस्टें नहीं है और नीचे देख लीजिए आप SSB के अंदर 3,806 पोस्टें हैं और मेला की कुछ भी नहीं है यहाँ पर। और ITPP के अंदर देख लीजिए आप 1,816 पोस्टें तो यहाँ पर मेल की है और 215 पोस्टें यहाँ पर फीमेल की दी हुई है। यहाँ पर देख लीजिए आप AR के अंदर आप देख लीजिए आप 3,185 पोस्टें यहाँ पर देख लीजिए आप मेल की है और 600 पोस्टें यहाँ पर फीमेल की है। यहाँ पर देख लीजिए आप NIA में 0 पोस्टें, यहाँ पर कुछ भी पोस्ट नहीं है। और SSF के अंदर भी यहाँ पर 194 पोस्टें किसकी मेल की है और 46 पोस्टें फीमेल की है, टोटल 284 पोस्टें हो रही है यहाँ पर SSF के अंदर। तो आपको मैंने यहाँ पर पहले ही बता दिया है कि यहाँ पर टोटल वैकेंसी निकाली गई है, यहाँ पर टोटल वैकेंसी 25,271 पोस्टों के लिए निकाली गई है। तो आगे ले चलता हूँ मैं आपको, यहाँ पर आसाम राइफल के लिए 3,185 मेल के लिए और फीमेल के लिए 600 है। नीचे आ जाते हैं। नीचे में आपको यहाँ पर कुछ इसके लिंक दिए गए हैं, आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर क्लिक करके इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच जाओगे। मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आपको बताने वाला हूँ। फिर बाद में आपके लिए मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें बताऊँगा कि आप SSC GD कॉन्स्टेबल के लिए आवेदन कैसे कर सकते हो, स्टेप टू स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको पूरी जानकारी दूंगा। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।
तो मैं आपके इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ और नोटिफिकेशन डाउनलोड करके बताता हूँ। मैंने इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पहले डाउनलोड कर लिया है ताकि समय की बचत हो सके। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आप हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आ गए हैं कि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट दी गई है जो कि इंपॉर्टेंट डेट के बारे में मैंने ऊपर ही आपको बता दिया है। तो मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ और क्या क्या है इसके अंदर अपडेट, क्या क्या खबर है मैं आपको नीचे बता देता हूँ। नीचे आ जाते हैं स्क्रॉल करते हुए, यहाँ पर देख लीजिए नीचे आने के बाद इसकी पोस्टों के बारे में बताया गया है। पहले यहाँ पर पे स्केल के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर पे स्केल थर्ड रहने वाली है, यहाँ पर 21,700 से 69,100 रहने वाली है। वैकेंसी, यहाँ पर वैकेंसी की डिटेल दी गई है। यहाँ पर बीएसएफ के अंदर एससी की 1,026 पोस्टें हैं और एसटी की 603 पोस्टें हैं और ओबीसी की 1453 पोस्टें हैं और ईडब्ल्यूएस की 641 पोस्टें हैं और जनरल की 2690 पोस्टें हैं। टोटल 4,413 पोस्टें यहाँ के अंदर बीएसएफ के अंदर दी गई है। उसी प्रकार यहाँ पर देख लीजिए आप, सीएसएफ के अंदर भी 1133 पोस्टें एससी की है और 786 पोस्टें एसटी की है और ओबीसी की 1714 पोस्टें हैं और ईडब्ल्यूएस की 760 पोस्टें हैं और जनरल की यहाँ पर 3217 पोस्टें हैं। टोटल 7,610 पोस्टें हैं। यहाँ पर इधर फीमेल की बताई हुई है कि फीमेल के अंदर कितनी पोस्टें हैं, यहाँ पर फीमेल की बताई है। सीआरपीएफ के अंदर यहाँ पर 0 पोस्टें हैं। मैंने इन पोस्टों के बारे में पहले भी आपको ऊपर बता दिया गया है और मैं इस पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप अपनी पोस्टों के बारे में बिल्कुल जाँच कर सकते हो। मैं यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाला हूँ। अब यहाँ पर देख लीजिए आप नीचे 4 नंबर पॉइंट के ऊपर, आप यहाँ पर देख लीजिए 4 नंबर पॉइंट पे नेशनलिटी सिटीजन, यहाँ पर कैंडिडेट को भारत का नागरिक होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, यहाँ पर जो भी कैंडिडेट हो उसको भारत का नागरिक होना चाहिए, उसके पास भारत की नागरिकता होनी चाहिए। एज लिमिट, यहाँ पर एज लिमिट मैंने बता दिया है कि आदमी यहाँ पर कैंडिडेट की आयु, आवेदक की आयु 1/8/2021 को 18 वर्ष पूरी हो जानी चाहिए और 23 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आप देख लीजिए कि हैव बीन बोर्न अलर्ट, यहाँ पर 2/8/1993 से पहले आवेदक का जन्म नहीं होना चाहिए और यहाँ पर देख लीजिए 1/8/2003 के बाद में भी आवेदक का जन्म नहीं होना चाहिए। इन डेट के बीच में आवेदक का जन्म होना चाहिए। यहाँ पर एज के अंदर कुछ छूट दी गई है, उस छूट के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं छूट के बारे में बता देता हूँ आपको। यहाँ पर देख लीजिए आप, एस सी एस टी को यहाँ पर 5 साल की छूट दी गई है और ओबीसी कैंडिडेट को यहाँ पर 3 वर्ष की छूट दी गई है। यहाँ पर देख लीजिए आप, एक्स सर्विसमैन को यहाँ पर 3 ईयर की छूट दी गई है और यहाँ पर 4 नंबर पर देख लीजिए आप, चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट, यहाँ पर जो कि 1984 और 2002 के जो दंगे हुए थे, उस सांप्रदायिक दंगे हुए थे उस जिसमें मरने वालों के बच्चों को, अनाथ बच्चों को यहाँ पर 5 साल की छूट दी गई है, उसमें मरने वाले पीड़ित बच्चों को यहाँ पर 5 साल की छूट दी गई है। यहाँ पर अलग अलग छूट दी गई है, आप अपने इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप पूरा देख लोगे। यहाँ पर नीचे आ जाते हैं, नीचे आने के बाद हम इसके क्या क्या अपडेट है उसके बारे में जान लेते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। अब यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात कर लेते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड द मैट्रिकुलेशन, यहाँ पर कैंडिडेट को मैट्रिक पास होना चाहिए या 10वीं पास होना चाहिए, कोई से बोर्ड कोई से यूनिवर्सिटी के द्वारा उसको 10वीं पास होना चाहिए। इसमें कोई परसेंटेज नहीं है कि इतने परसेंट होने चाहिए। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं और क्या क्या है इसमें, क्या क्या बताया गया है। यहाँ पर देख लीजिए आप, एनसीसी कैंडिडेट के बारे में कुछ यहाँ पर दी गई है जानकारियाँ। यहाँ पर देख लीजिए, एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर जो कि एनसीसी प्रमाण पत्र धारक है उनको यहाँ पर कुछ प्रोत्साहन दिया गया है। इसमें अंकों में कुछ प्रोत्साहन दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख लीजिए, एनसीसी सर्टिफिकेट वालों को यहाँ पर 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन में 5% मार्क्स का इसमें बोनस दिया जाएगा एनसीसी सर्टिफिकेट वालों को। उसी प्रकार आप देख लीजिए, आप एनसीसी बी सर्टिफिकेट वालों को 3% का और एनसीसी ए सर्टिफिकेट वालों को 2% का मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन में दिया जाएगा। आगे देख लेते हैं, इसमें आप बताया गया है कि आप इसके अंदर अप्लाई कैसे कर सकते हो, हाउ टू अप्लाई। तो अप्लाई के बारे में मैं आपको पूरा वीडियो बना के बता दूंगा कि आप इसके अंदर अप्लाई कैसे कर सकते हो, पूरा वीडियो बताऊंगा मैं आपको रजिस्ट्रेशन लेकर प्रिंट तक। यहाँ पर देख लीजिए, आप अप्लाई करते हो तो यहाँ पर पासपोर्ट की फोटो की साइज क्या रहनी चाहिए, 20 KB से 50 KB के बीच में फोटो की साइज रहनी चाहिए। यहाँ पर देख लीजिए आप, द फोटोग्राफ शुड बी नॉट बी मोर देन 3 मंथ, 3 महीने से पुराना यहाँ पर फोटोग्राफ नहीं होना चाहिए, जो भी आप फोटो अपलोड लगाते हो 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द नोटिस एग्जामिनेशन, और यहाँ पर देख लीजिए आप, शुल बी प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ, यहाँ पर जो आपकी जो फोटोग्राफ होगी उसके ऊपर या इसकी जो विज्ञप्ति जारी हुई है उसकी बात की डेट मेंशन होनी चाहिए आपके फोटोग्राफ के ऊपर। आगे देख लेते हैं अपना और क्या अपडेट है इसके बारे में आपको विस्तार से, जब इसका फॉर्म ऑनलाइन करके बताऊंगा तब बता दूंगा। नीचे आप यहाँ पर देख लीजिए इसके फीस के बारे में, यहाँ पर देख लीजिए एप्लीकेशन फीस, यहाँ पर मतलब 100 रुपये फीस लगने वाली है, फीस है पेबल 100 रुपये और वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंग
एससी एसटी और एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर कोई चार्ज नहीं लग रहा है, यहाँ पर उनके लिए इसका कोई चार्ज नहीं लग रहा है। आगे यहाँ पर बताया गया है कि फीस कैन बी पेड ऑनलाइन थ्रू भीम यूपीआई के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हो, नेट बैंकिंग के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हो, यहाँ पर वीजा मास्टर कार्ड के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हो। आगे क्या अपडेट है हम इसके बारे में देख लेते हैं और क्या खबर है यहाँ पर, जो भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ें होगी, इम्पोर्टेंट खबर होगी, मैं उसके बारे में आपको बता दूंगा। नीचे आ जाते हैं, नीचे आने के बाद यहाँ पर देख लीजिए इसके एग्जाम सेंटर बताए दिए गए हैं, आप इसमें देख के अपने एग्जाम सेंटर के बारे में कौन सा सेंटर लेना है, यहाँ पर एग्जाम सेंटीमीटर के सॉरी एग्जाम सेंटर्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर एग्जाम सेंटर यहाँ पर लोकेशन दी गई है और ये आपके एग्जाम सेंटर है, वो आप अपना देख के इसकी पीडीएफ मैं आपको डाउनलोड कर दूंगा, आप अपना एग्जाम सेंटर देख के इसका फॉर्म जब अप्लाई करोगे अपना एग्जाम सेंटर फिल कर लेना है। नीचे आ जाते हैं, नीचे आने के बाद और क्या अपडेट है वो मैं देख के बता देता हूँ आपको। अब यहाँ पर देख लीजिए आप स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन परीक्षा कार्यक्रम के बारे में बताया गया है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है। आप यहाँ पर देख लीजिए टाइप ऑफ द प्रत्येक क्वेश्चन ऑब्जेक्ट टाइप का रहेगा, ऑब्जेक्ट टाइप का पेपर होगा आपका, 100 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर के ही क्वेश्चन होंगे आपके, आपके यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 100 नंबर के होंगे। आपको यहाँ पर पेपर हल करने के लिए 90 मिनट का समय दिया जाएगा। आपका यह पेपर चार पार्ट में बटा हुआ होगा, पार्ट ए जो कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का होगा, इसमें आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 25 नंबर के होंगे। पार्ट बी के अंदर आप देख लीजिए आप जनरल नॉलेज जीके के और जनरल अवेयरनेस जीके के जो क्वेश्चन होंगे वो उनको 25 क्वेश्चन आएंगे, आप वो 25 नंबर के क्वेश्चन होंगे। और पार्ट से देख लीजिए, पार्ट सी आपकी मैथमेटिक्स लेने वाले मैथमेटिक्स का रहेगा, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का रहेगा जिसमें आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 25 नंबर के रहेंगे। पार्ट डी देख लीजिए आप इंग्लिश हिंदी, इसमें आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि ये भी 25 नंबर के अंकों का निर्धारण किया जाएगा। इसको पेपर कॉल करने के लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। आगे हम देख लेते हैं, ये तो हो गया इसका एग्जाम पैटर्न के बारे में बात हो गई है और क्या क्या अपडेट है मैं आपको नीचे और बता देता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए आप ऑल क्वेश्चन विल बी द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई, यहाँ प्रत्येक क्वेश्चन होगा जो ऑब्जेक्ट टाइप का होगा। द कंप्यूटर बेसिक एग्जामिनेशन होने वाला है आपको, आप इंग्लिश एंड हिंदी ओनली, आप इस एग्जाम पैटर्न को हिंदी में भी हल कर सकते हैं, अपना माध्यम पेपर का माध्यम आप इंग्लिश भी रख सकते हैं और हिंदी भी रख सकते हैं, दोनों के अंदर आप पेपर को हल कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए आप देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, इसके अंदर आपके माइनस मार्किंग है, यहाँ पर नकारात्मक ऋणात्मक अंकन किया जाएगा। 0.25 मार्क ऑफ इच रॉन्ग आंसर, प्रत्येक गलत आंसर के लिए आपके 0.25 अंक काटा जाएगा, तो इसका मतलब इसके अंदर माइनस मार्किंग है। जब भी आप पेपर को हल करोगे तो आपको बिल्कुल इसको पेपर को मतलब शांतिपूर्वक आपको हल करना है। आगे देख लेते हैं आगे क्या अपडेट है और क्या खबर है, जो भी इम्पोर्टेंट होगी मैं आपको बता दूंगा। ये आप नीचे आप ये देख लीजिए इसका ये सिलेबस आ गया है, द सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी एज फॉलोअर्स, तो ये आप अपना इसका सिलेबस है, ये सिलेबस आप यहाँ से देख सकते हो और क्या अपडेट है मैं आपको बता देता हूँ। नीचे आ जाते हैं, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर देख लीजिए 11.4 नंबर पॉइंट आप यहाँ पर देख लीजिए, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपका, इसका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होगा, इसमें आपको दौड़ाया जाएगा। कैंडिडेट हैव क्लियर द रीच विद इन द फॉलोइंग लिमिट्स, आपको इसमें दौड़ाया जाएगा। मेल को यहाँ पर देख लीजिए 5 किलोमीटर की दौड़ 24 मिनट में पूरी करनी होती है। फीमेल को यहाँ पर देख लीजिए 1.6 किलोमीटर की दौड़ 8 मिनट में पूरी करनी होगी। उसी प्रकार आप नीचे देख लेते हैं, नीचे और क्या अपडेट है, किसके बारे में क्या बताया गया है अपन देख लेते हैं। नीचे आ जाते हैं, नीचे आने पर आप देख लीजिए यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड, यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड भी मांगा गया है। हाइट यहाँ पर देख लीजिए, मेल की हाइट पुरुष की हाइट यहाँ पर 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल की हाइट यहाँ पर 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यहाँ पर कैटेगरी के आधार पर इसमें हाइट में भी कुछ छूट दी गई है, उसके बारे में मैं आपको नीचे बता देता हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए हाइट के अंदर क्या छूट दी गई है मैं आपको बता दूंगा। वैसे मैं आपको इसकी पीडीएफ की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप वहाँ से देख लेना। ऑल कैंडिडेट बिलोंग द एसटी, यहाँ पर एसटी वालों को यहाँ पर मेल को यहाँ पर 162.5 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए और फीमेल की कितनी 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए छूट के अकॉर्डिंग, ठीक है। वहाँ पर जो ऊपर बताया गया था वो ऑल कैंडिडेट की हाइट के बारे में बताया गया था, ऊपर जो यहाँ पर आपको बताया गया था हाइट के बारे में मेल के 170 सेंटीमीटर ऑल कैंडिडेट की, जिसमें जनरल ईडब्ल्यूएस एससी एसटी। अब वहाँ पर जो नीचे आपको हाइट के बारे में बताया गया है वो सब कैंडिडेट का बताया गया है, जिसमें रिजर्वेशन है जिसको छूट दी गई है उन कैंडिडेट का बताया गया है। तो यहाँ पर एससी की एसटी की बात कर ली थी अपने, उसी प्रकार यहाँ पर देख लीजिए आप सबका अलग अलग बताया गया है। मैं इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख कर आसानी से इसको देख पाओगे। यहाँ पर देख लीजिए आप चेस्ट का भी दिया गया है, अनएक्सपेंडेड 80 सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए, यहाँ पर सबके अलग अलग यहाँ पर दिया गया है।
नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पर बेड का भी दिया गया है, आप बेड का भी यहाँ पर देख सकते हो। और क्या अपडेट है इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट और क्या अपडेट है मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। तो दोस्तों आप देख लीजिए आज ये कुछ अपडेट थे। नीचे आगे इसके लिए फीस कितनी लग रही है, आयकर निदान किस आधार पर किया जाएगा, फॉर्म कौन कौन भर सकता है, आदि सभी अपडेट मैंने आपको बता दी है। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगी होगी। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटे के आइकन को प्रेस कर लेना और लाइक और शेयर करना ना भूलना। और मैं अगला वीडियो बना के आ रहा हूँ बहुत जल्दी इसका, कि इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक कोई भी फॉर्म आने पर मैं तुरंत उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। धन्यवाद दोस्तों।